हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों, आज हम आपको पैंट की कटिंग और बॉडी का नाप लेके बताएंगे कि किस तरह से हम बॉडी का नाप लें और उसके बाद में पैंट की कटिंग में किस हिसाब से हम लूजिंग देते हैं और किस हिसाब से हम पैंट की कटिंग करते हैं। तो आज दोस्तों, इस वीडियो में हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। और दोस्तों, हमने स्टिचिंग के वीडियो बना रखे हैं तो हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ पे स्टिचिंग का वीडियो आप सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं, बॉडी का नाप लेते हैं और उसके बाद में दोस्तों पैंट की कटिंग करके आपको बताते हैं कि किस तरह से पैंट की कटिंग करनी है। तो चलते हैं, नाप लेते हैं। आज हम आपको पैंट का नाप लेके और इसकी कटिंग बताएंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले पैंट का नाप किस तरह से लेते हैं, जो बॉडी का नाप होता है, और फिर उसके बाद में हम कपड़े पे कटिंग करके बताएंगे कि किस तरह से हम बॉडी का नाप लेके उसमें कितनी कहाँ लूजिंग कितनी देनी है या नहीं देनी। तो सारा हम डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो हम सबसे पहले नाप लेते हैं। ये देखिए, कस्टमर को हमें क्या करना है, इंची टेप इस तरह से पकड़ाना है, क्योंकि अगर हम जहाँ पे कहीं पे पकड़ेंगे इंची टेप को, तो दोस्तों पैंट ऊपर नीचे हो सकता है। अब इन्हें जो पता रहता है कि हाँ पैंट कहाँ बांधनी है, तो इस तरह से इंची टेप पकड़ा देना है। अब इसके बाद में ये देखिए, इस तरह से इंची टेप को लाना है नीचे तक। अब पैंट की अगर लेंथ पूरी मांगे, जैसे ये पैंट इन्होंने डाल रखी है, अगर इस तरह से लंबाई मांगते हैं पैंट की, तो हमें इसी तरह से इसी के बराबर से नाप ले लेना है। जो ये यहाँ पे एड़ी का टक होता है, तो यहाँ तक हमें एंकल लेंथ बनाना होता है। ये देखिए, इतनी आएगी एंकल लेंथ में पैंट ये टक के ऊपर, और ये है पैंट लंबी, तो इन्होंने इतनी लंबी मांगी है पैंट, तो हमें इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से पकड़ना है इंची टेप को। तो 36.5 इंच पैंट की लंबाई है। तो दोस्तों, ये हमने मेजरमेंट यहाँ पे लिख दिया, लेंथ मोहरी घुटना थाई कमर हिप। तो हमें पहले लेंथ के सामने लिख देना है 36.5, 36.5 इंच लंबाई हो गई। अब इसके बाद में हमें मोहरी का नाप लेना है। तो देखिए, मोहरी का नाप हम दो तरह से लेते हैं। अगर कस्टमर पैंट पहन रखा है, तो हमें ये जो मोहरी पहन रखी है, तो इसी के बराबर से नाप ले लेना है। अगर बाय चांस जैसे सलवार पहन रखे हैं या फिर पैजामी या प्लाजो, तो दोस्तों हमें पैंट का मोहरी का नाप किस तरह से लेना होता है, ये देखिए, जो पीछे की एड़ी है, तो इंची टेप को हमें इस तरह से फंसा के रखना है। ये देखिए, एड़ी है ना, एड़ी में हमें इंची टेप को इस तरह से फंसाना है और मोहरी को इस तरह से नापना है। ये देखिए, 12.5 इंच मोहरी आ रही। अब इसके बाद में हम देखते हैं पैंट की मोहरी कितनी है। तो देखिए, इस तरह से हमें पैंट को छोड़ देना है और उसके बाद में हम यहाँ पे इस तरह से पकड़ेंगे पैंट की मोहरी को, और देखिए, इस तरह से हमें मोहरी नापनी है। तो देखिए दोस्तों, 12.5 इंच मोहरी आ रही है, तो हमें 12.5 इंच मोहरी लिख देना है। अब दोस्तों, इसके बाद में हम घुटने का नाप लेंगे। तो घुटने का नाप हमें किस तरह से लेना है, ये देखिए, कमीज का पल्ला हमें इस तरह से बोलना है पकड़ने के लिए। अब इस तरह से कमीज का पल्ला पकड़ेंगे, तो दोस्तों ये घुटना है यहाँ पे, और देखिए इंची टेप से हमें थोड़ा सा ऊपर नापना है यहाँ पे। और दोस्तों, यहाँ पे हम इस तरह से उंगलियों को डाल के रखेंगे ताकि पैंट टाइट ना होने पाए। ये देखिए, 15 इंच घुटना आ रहा है इनका। अब अगर हम इसको टाइट करके इस तरह से नापते हैं, तो दोस्तों उठने बैठने में इनको प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से हम लूज ही हल्का सा नाप लेंगे। ये देखिए, 15 इंच आ रहा है, तो हमें 15 इंच घुटना लिख देना है। अब दोस्तों, हम थाई का नाप लेंगे। दोस्तों, हमें थाई का नाप किस तरह से लेना है, ये देखिए, इस तरह से इंची टेप को हमें यहाँ पर पकड़ना है, और यहाँ पर इस तरह से इंची टेप के अंदर हमें 3 उंगली इस तरह से रखना है ताकि टाइट ना होने पाए पैंट। और ये दोस्तों 20 इंची थाई आ रही है इनकी, ये देखिए, इस तरह से हमें नापना है। तो यहाँ पे हम 20 इंच थाई लिख देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों, हमें कमर का नाप लेना है। तो कमर का नाप हमें किस तरह से लेना है, कस्टमर को हमें इंची टेप पकड़ा देना है, तो जहाँ पर पैंट बांधेंगे तो वहीं इंची टेप को लगा के बताएँगे। इंची टेप पकड़ना और कमर पे जहाँ पे पैंट बांधो वहीं पे बताना। तो देखिए, इस तरह से इन्होंने यहाँ पे पहन रखा है पैंट को, तो ये हमें इस तरह से
कमर नापना है, देखिए 29 इंच कमर आ रही है, तो 29 इंच हमें कमर लिख देना है। तो यहाँ पे हमने 29 इंच कमर लिख दिया। अब दोस्तों हमें हिप नापना है, तो हिप का नाप हम किस तरह से लेंगे, ये देखिए इंची टेप को हमें, और ये देखिए इस तरह से हमें हिप नापना है। तो दोस्तों 34 हिप है, 34 इंच, अब यहाँ पे हमें 34 इंच हिप लिख देना है। तो दोस्तों ये पैंट का नाप हो गया। अब इसके बाद में एक बार हम नाप आपको समझा देते हैं। 36.5 इंच लेंथ है, 12.5 इंच मोरी, 15 इंच घुटना, 20 इंच थाई, 29 इंच कमर, 34 इंच हिप। तो इस नाप से हमें पैंट की कटिंग करना है। तो चलते हैं दोस्तों काउंटर पे और पैंट कटिंग करके आपको बताते हैं किस तरह से हम पैंट कटिंग करेंगे, इसमें लूजिंग कितनी देनी है और लूजिंग हमें देनी है या फिर नहीं देनी। और ये दोस्तों हम पैंट आपको बना के और दोस्तों पहना के भी दिखाएंगे कि पैंट की फिटिंग किस तरह से आई है। तो चलते हैं काउंटर पे और कटिंग करके आपको बताते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पूजा फैशन बुटीक चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों ये कपड़ा हमने लिया हुआ है, इस कपड़े में हमें पैंट की कटिंग करना है। जो हमने नाप लिया हुआ है तो उस नाप से हमें इसमें कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को देखेंगे कि कपड़ा इसमें कितना है। ये देखिए इस तरह से डबल फोल्ड है कपड़ा। अब इंची टेप को हमें इस तरह से रखना है और ये देखिए हम देखेंगे कि यहाँ हमारा 2.25 मीटर कपड़ा है। ये दोस्तों 2 मीटर में भी हमारी पैंट आराम से बन जाती, कपड़ा कम ना हो, ज़्यादा होगा चलेगा। अब हमें करना क्या है, ये देखिए इस तरह से कपड़े को हमें बिछाना है। ये देखिए इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करके और बिछा लिया है। ये दोस्तों कपड़ा है सीधा अंदर की तरफ और उल्टा वाला कपड़ा है ऊपर की तरफ, और इस तरह से हमें बिछा लेना है। और ये कन्नी हमें अपनी तरफ रखना है और इसमें हमें सबसे पहले ऊपर सीधा निशान लगाना है। ये देखिए कमर के लिए हमने सीधा निशान लगा दिया। अब इसके बाद में दोस्तों ये कन्नी है तो कन्नी में हमें इस तरह से निशान लगा देना है। ये देखिए हमने इस तरह से निशान लगा दिया है। अब इसके बाद में हमें पैंट की लंबाई का निशान लगाना है। तो इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे। दोस्तों हम 1.25 इंच ऊपर की तरफ इंची टेप को बढ़ा के रखेंगे क्योंकि हमारी ऊपर बेल्ट लगती है, तो लंबाई में हमें 1.25 इंच कम कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों 36.5 इंच लंबाई है पैंट के, तो यहाँ पे हमें 36.5 इंच पे ये देखिए इस तरह से निशान लगा देना है और इस निशान को हमें स्केल की मदद से इस तरह से लगा देना है। अब दोस्तों हम नीचे जो फोल्ड करते हैं तो फोल्ड के लिए 2.5 इंच से लेके 3 इंच तक आप एक्स्ट्रा इसमें ले सकते हैं। मोरी के लिए जो फोल्ड करते हैं तो वो हमने निशान लगा दिया। अब दोस्तों हम आते हैं ऊपर, देखिए इंची टेप को हमें इस तरह से रखना है। और दोस्तों ये जो हम इसका आसन गिराएंगे तो वो दोस्तों हम थाई के हिसाब से गिराते हैं। तो दोस्तों हमें आसन का निशान किस तरह से लगाना है, तो देखिए सबसे पहले हमें 1.25 इंच ऊपर की तरफ इंची टेप को बढ़ा के रखना है जो हम बेल्ट के लिए, और उसके बाद में दोस्तों 34 इंच हिप है तो 34 को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों आएगा 34 का 4 डिवाइड करने पे 8.5 इंच। अब 8.5 इंच में हमें क्या करना है, इसमें 2 इंच प्लस कर देना है। तो 8.5 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 9.5 10 इंच आएगा। तो आसन हम 34 के हिसाब से 10.5 इंच पे ये देखिए इस तरह से हमें निशान लगा देना है। अब इसके बाद में दोस्तों इस निशान को सीधा लगा लेना है। अब इसके बाद में हमें, अब दोस्तों हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर है 29 इंच, तो देखिए कमर का हमें 4/4 हिस्सा लेना है, तो 4/4 हिस्सा होगा 29 का 7.25 इंच। तो
तो देखिए इस तरह से हमें 7.25 इंच पे निशान लगा देना है। अब इसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब देखना है ये साइज हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है। तो दोस्तों आ रहा है 9 इंच, तो यहाँ पे हमें 9 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है। अब इसके बाद में दोस्तों 1 इंच हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना है, ये देखिए इस तरह से। अब ये जो साइज आता है तो हो गया 10 इंच, तो इसी तरह से हमें 10 इंच नीचे इस तरह से रखना है यहाँ पे 10 इंच, और इसका आधा लेना है तो आधा आएगा 5 इंच। अब मोहरी का निशान लगाना है, तो दोस्तों 12.5 इंच मोहरी है, तो इसमें हम 3.25 इंच पे निशान लगा देंगे इधर और 3.25 इंच पे इधर। अब हमें स्केल लेना है, ये देखिए जो राउंड शेप फट्टी होती है तो ये लेना है। अब इसके बाद में हम ये जो हमने निशान लगाया तो यहाँ पे हमें इस तरह से स्केल को रखना है, और इसका देखना है मोहरी का सिधान बिल्कुल मिलना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमें निशान लगा देना है। अब इधर का भी निशान हम इसी तरह से लगाएंगे। अगर दोस्तों साइज थोड़ा हैवी होता तो यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाते हैं, साइज बिल्कुल कम है। तो देखिए स्केल को हमने इस तरह से रखा है, और यहाँ पे भी देखना है हमें कि यहाँ पे बिल्कुल सिधान होना चाहिए इसका, और इस तरह से हमें निशान लगा देना है। अब इसके बाद में ये देखिए इस तरह से इस निशान पे मिला देना है, और यहाँ पे हमें इस तरह से राउंड शेप दे देना है। 29 इंच कमर हम लिख देंगे इसमें। अब दोस्तों हमें कट इन कर देना है। अब इसमें हमें 1/2 इंच दबाव लेके कट इन करना है, 1/2 इंच हमें यहाँ पे भी दबाव लेना है। अब देखिए जो कन्नी की साइड हमने निशान लगा रखा है तो बिल्कुल हमें निशान पे कट इन कर देना है। और दोस्तों अगर यहाँ पे हम मोहरी पे कट छोड़ते हैं तो यहाँ पे हमें 1.5 से 2 इंच तक का कट छोड़ देना है। तो देखिए हमारा फ्रंट कट इन हो चुका है। अब हमें बैक पल्ले की कट इन कर लेना है, तो इसे हम इस तरह से हटा के रखेंगे, और इस कपड़े को हमें इस तरह से फिर बिछा लेना है। और बिछाने के बाद में दोस्तों हम फ्रंट पल्ले को इसके ऊपर ये देखिए कन्नी को छोड़ के इस तरह से हमें ऊपर की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है बैक पल्ले को। ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर बराबर बिछा दिया है। ये जहाँ से हमारी जितनी गैपिंग यहाँ से कटिंग हुई है तो उसके बराबर से ही रखना है। अब दोस्तों हम बैक पल्ले के कमर का निशान लगाएंगे, तो इसमें दोस्तों हम 1.5 इंच तक ऊपर उठा के कटिंग करेंगे। तो ये हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, साइज़ कम है, ज़्यादा साइज में हम इसे ज़्यादा भी लेते हैं, 2.5 इंच 3 इंच 4 इंच तक 4.5 इंच तक ले लेते हैं जैसे ज़्यादा हैवी साइज हुआ। अब देखिए इस तरह से हमने बैक पल्ले में एक्स्ट्रा मार्जिन रख दिया है, और यहाँ पे हमें सीधा निशान इस तरह से लगा देना है। अब दोस्तों ये देखिए 20 इंच हमारी थाई तैयार आ चुकी है, क्योंकि 20 इंच ही हमारी थाई लिखा हुआ साइज का। अब इसमें हमें लूजिंग कितनी देनी है, तो दोस्तों इसमें हम 3 इंच की बैक पल्ले में लूजिंग देंगे। ये देखिए इस तरह से जब भी हम बैक पल्ले को कटिंग करेंगे तो इसमें हमारी 1.5 इंच की लूजिंग आएगी। तो देखिए 20 इंच यहाँ पे आ रहा है, 1/2 इंच का दबाव हो जाएगा, तो दोस्तों 2 इंच की सिर्फ इसमें लूजिंग आएगी। घुटने पे हमें 1.5 इंच की लूजिंग देना है, मोहरी पे 1 इंच की लूजिंग। अब स्केल की मदद से ये देखिए इस तरह से स्केल को रखना है, और हमें इस तरह से शेप फट्टी से शेप
इस तरह से हमें निशान लगा देना है बैक पल्ले का। अब सीधी स्केल लेने के बाद में दोस्तों हम बैक पल्ले में क्या करेंगे, ये जो हमने फ्रंट का निशान लगाया है जहाँ से हमारी सिलाई लगेगी, तो वहाँ इस तरह से स्केल को रखना है और इस तरह से हम निशान लगा देंगे। और यहाँ पे हमें देखिए इस तरह से राउंड शेप दे देना है। अब पैंट की हम कटिंग कर देंगे, यहाँ पे भी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा दबाव देना है और यहाँ पे भी आधा इंच दबाव देना है। अब जो ये इधर की कन्नी है तो इसे भी हमें कटिंग कर देना है। तो देखिए हमने पैंट की कटिंग कर दिया है, यहाँ पे जहाँ से हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमें कट लगा देना इस तरह से। तो दोस्तों हमारे पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसके लिए जो बेल्ट के लिए कपड़ा कटिंग करेंगे तो वो दोस्तों हमें 3.5 इंच से लेके 4 इंची चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेना है। तो हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है, ये दोस्तों फोल्ड है जिधर ये हमने अपनी तरफ रखा है और ये जिधर खुला है कपड़ा तो ये हमने बाहर की तरफ रखा हुआ है। अब इसे हम 2 इंच की चौड़ाई पे निशान लगा देना है। तो ये हमारा 4 इंच चौड़ी पट्टी हो जाएगी। अब इसकी कटिंग कर देना है। तो देखिए हमने बेल्ट के लिए 4 इंची चौड़ी पट्टी कटिंग कर लिया है। अब हमें पॉकेट कटिंग कर देना है। तो देखिए नीचे हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और ऊपर 6 इंच पे, और पॉकेट की लंबाई का निशान लगाएंगे दोस्तों 14.5 इंच, और इन निशानों को हमें मिला देना है एक साथ में। और दोस्तों नीचे की साइड ये देखिए हम जैसे बाजू की कटिंग करते हैं तो उसी तरह से हमें कटिंग कर देना है। तो ये हमने पॉकेट कटिंग कर लिया है। तब दोस्तों हमारा पैंट कटिंग हो चुका है, पैंट की कटिंग कर लिया है। ये देखिए हमारी पैंट है, ये पॉकेट भी कटिंग कर दिया, और ये दोस्तों जो ऊपर बेल्ट लगाते हैं तो बेल्ट के लिए हमने 4 इंची चौड़ी पट्टी कटिंग कर दिया, उसको हमने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो 2 इंची चौड़ी पट्टी आ रही है हमारी। तो दोस्तों ये बॉडी का मेजरमेंट लेके पैंट की कटिंग का, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपको बॉडी का नाप लेने का और ये पैंट का कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।